बोले श्री राज जी महाराज की जय। नामदेव जी ने इनकार कर दिया कि मैं इस वस्तु को ले नहीं सकता, लेकिन बार 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 राजा की जिद करने पर, बार बार राजा की जिद करने पर नामदेव जी ने सोचा कि अपना पिंड कैसे छुड़ाऊं। अपना पिंड छुड़ाने के लिए हां कर दिया कि ठीक है, मैं ले जाऊंगा इसको, मैं अपनी सरकार की सेवा में ले जाऊंगा इसको। राजा ने कहा ठीक है, जाओ सिपाहियों, आप नामदेव जी के संग इस उपहार को लेकर के जाओ, इस भेंट को संग लेकर के जाओ, जहां श्री नामदेव जी कहें इस भेंट को वहां स्थापित करके आओ, वहां रख करके आओ। नामदेव जी बोले कि अरे भैया, भाई हाथ जोड़ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। नामदेव जी ने इनकार कर दिया कि अरे भैया, आपके सिपाही क्यों लेकर के जाएंगे इस भेंट को, ये मेरी सरकार की भेंट है, मैं उनका चाकर हूं और ये आपके चाकर हैं, आपके सिपाही आपके चाकर हैं, मैं अपनी सरकार अपने मालिक की भेंट अपने सिर पर रख करके लेके जाऊंगा। नामदेव जी ने उस सैया को, उस पलंग को, सोने की सेज को अपने शीश पर रख लिया और महलों से बाहर निकल गए। जब दूर जाकर के देखा कि अरे इतनी कीमती वस्तु है, कहीं इसको कुटिया में ले जाने के बाद ना जाने क्या अनर्थ होगा, तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले एक तालाब में उस सैया को फेंक दिया, उस सैया को फेंक दिया उस तालाब में, क्योंकि वो सैया बहुत कीमती थी। इसलिए सिपाहियों को संग भेजा राजा ने कि आप चोरी चोरी, आप चोरी चोरी नामदेव जी के पीछे जाओ, कहीं इसके इनके साथ कोई धोखा ना कर ले, कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई डकैत ना पड़ जाए। और उन्होंने क्या देखा कि नामदेव जी ने इस सैया को तालाब में फेंक दिया है। आकर के राजा को यूं का यूं सारा हाल बयान कर दिया कि राजा, आपने जो सैया, आपने जो भेंट श्री नामदेव जी को दी है, वह तो उन्होंने तालाब में फेंक दी है। राजा बोले कोई बात नहीं, अभी चल के हाल पूछ लेते हैं। बड़ा कपटी था राजा। उस राजा ने अपने साथ कुछ सिपाही लिए और पहुंच गया नामदेव जी की कुटिया पर। अरे नामदेव जी, हमने सुना है आपने हमारी दी हुई भेंट को बड़ा ही अच्छे प्रकार से रखा है, हम ऐसी एक भेंट और बनवाना चाहते हैं, जरा हमारे सिपाहियों को वह भेंट दिखा दीजिए, एक बार वह पलंग की झलक दिखला दीजिए, ऐसी ही एक और सैया हमको बनवानी है। सैया होती तो दिखाते नामदेव जी। नामदेव जी ने कह दिया कि भैया, सैया तो यहां नहीं है, अगर सैया देखनी है तो मेरे संग चलो। नामदेव बोले कि ठीक है। राजा बोला ठीक है, हम आपके संग चलते हैं। नामदेव पीछे पीछे, राजा पीछे पीछे, पूरी सेना पहुंच गई तालाब के किनारे। नामदेव जी बोले कि राजा, यदि आपको वो पलंग देखना है, वे भेंट देखनी है, तो इस तालाब के अंदर वे आपकी भेंट है। आपके जिन जिन सिपाहियों को तैरना आता है, जो गोता खो रहे हैं, आप तालाब में भेजिए और अपनी सैया निकलवा लीजिए। 50 सैनिक थे, रसिक जन बताते हैं 50 सैनिक उस समय राजा के संग आए थे सेना में। 50 के 50 को आदेश दे दिया राजा ने कि सभी कूद जाओ और भेंट को ढूंढ करके लाओ। 5 मिनट में जब सभी सिपाही बाहर निकले, सबके हाथ में एक एक सैया प्यारे, सबके हाथ में एक एक सैया। ऐसे हैं गिरधर गोपाल, अपने भक्ति सदैव लाज रखते हैं। हम ही अधमी हैं, जिस शीश दियो तिन बिसरायो,
मैं ऐसो कुटिल खल कामी जिस शीश दियो तिन बिसरायो मैं ऐसो नमक हरामी। बिंदु जी कहते हैं मैं अधम हूँ नीच हूँ खल कामी हूँ, जिसने मुझे शीश दिया है जिसने मुझे ये तन दिया है मैं उसी परमेश्वर को भूल गया मैं ऐसा नमक हरामी हूँ। वास्तव में मनुष्य ऐसा ही है, ऐसा ही है। यदि कोई मानव किसी मानव का जरा सा उपकार उस पे कर दे कोई एहसान कर दे तो जीवन भर उसको सलाम करता है, जीवन भर उसको राधे राधे करेगा, प्रणाम करेगा, चरण छुएगा। लेकिन जिसने सारी उम्र उसकी देखभाल जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है जहां कोई भोजन देने वाला नहीं होता, जहां कोई भोजन देने वाला नहीं होता वहां तक परमेश्वर उस तक भोजन पहुंचाता है, उसका बंदोबस्त करता है और उसी जगदीश को भूल गए। बोले श्री बा के बिहारी लाल जय। नामदेव जी तुरंत उसी वक्त अपनी कुटिया की ओर चले गए और वहां जाकर के संत मंडली कीर्तन कर रही है, संकीर्तन कर रही है। वहां जाकर के जब नामदेव जी पहुंचे तो वहां गोरा कुमार जी भी बैठे हैं। गोरा कुमार जी पूछने लगे कि क्यों नामदेव जी आज आपने आने में बहुत विलंब कर दिया, इतनी देर कर दी, इसके पीछे क्या कारण है, आज आप लेट क्यों हो गए, आज इतना विलंब क्यों हो गया। बोले आज मेरे प्रभु ने मुझे एक नई लीला दिखाई है, बस उसी लीला को देखने के चक्कर में आज विलंब हो गया। बोले श्री नामदेव जी महाराज की जय। श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र इतना लंबा है कि इसको यदि 7 दिन तक भी गाया जाए तो भी दिवस कम है, इसलिए एक छोटी सी एक और लीला उनकी बता करके कथा में आगे की ओर प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय कम है और कथा अभी काफी है, इसलिए केवल एक और भाव सुना करके मैं आगे की कथा को कहूंगा। श्री नामदेव जी एक बार शरद ऋतु का मौसम है और गंगा के किनारे तन पर केवल एक कपड़ा लिपेटे हुए विठल नाथ के ध्यान में बैठे थे। इतने में गांव से एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया कि नामदेव जी नामदेव जी ओ नामदेव जी। नामदेव जी पूछ बोले कि अरे भैया चिल्ला क्यों रहे हो, आप काहे चिल्ला रहे हो। बोले नामदेव जी आपकी कुटिया में आग लग गई है। नामदेव जी मुस्कुरा उठे, अरे अरे क्या मेरी कुटिया में आग लग गई, आज मेरी कुटिया में आग लग गई। और दौड़े दौड़े भागे 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 जा रहे हैं कुटिया की ओर और चिल्लाते जा रहे विठल विठल पांडुरंग विठल विठल ओ विठल विठल विठला पांडुरंग विठला विठल विठल विठला विठल विठल विठला पांडुरंग विठला विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। जाकर के पहुंचे और गांव वाले उनकी कुटिया में से सामान बाहर निकाल निकाल करके रख रहे थे कि जो सामान जलने से बच जाए कम से कम वो तो बचाया जाए। और नामदेव जी जाकर के अपना सारा सामान उठा उठा करके पुनः उस कुटिया में डालने लगे। अरे प्रभु प्रभु इसको भी स्वीकार करो, प्रभु इसको भी स्वीकार करो, प्रभु इसको भी स्वीकार करो, आज मेरे प्रभु अग्नि रूप में प्रकट हुए हैं, आज मेरे प्रभु अग्नि रूप में प्रकट हुए हैं। नामदेव ने सदैव अपने प्रभु को हर रूप में देखा है। एक बार गोरा कुमार और नामदेव जी बैठे थे, इनके गुरु श्री नामदेव ज्ञानदेव जी ने पूछा कि आप बताइए आप प्रभु को किस रूप में देखते हैं। गोरा जी बोले कि मैं कणकण में भगवान का ही रूप देखता हूं। गोरा जी क्या बोले, गोरा कुमार जी मैं कण कण में विठल का ही रूप देखता हूं।
ज्ञान देव जी ने श्री नामदेव जी से पूछा और आप, वो बोले मैं तो कण कण विठल ही देखता हूं, मैं कण कण विठल ही मानता हूं। कितना फर्क है देखिए, दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। एक कह रहा है कि कण कण में प्रभु है और एक कह रहा है कि कण कण प्रभु है। नामदेव जी उस अग्नि को शांत नहीं कर रहे, बल्कि उससे जो बचा हुआ सामान बाहर पड़ा था उसको भी उठा उठा करके आग में डालने लगे, आग में डालने लगे। एक बार की बात है, श्री नामदेव जी एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोटी पका रहे हैं। अभी रोटी आधी अधूरी बनी ही थी कि इतनी देर में कुत्ता आया और नामदेव जी की रोटी को मुख में डाल करके दौड़ पड़ा, दौड़ पड़ा। हमारे तुम्हारे में से कोई होता तो लठिया या पत्थर लेकर के उस कुत्ते के पीछे भागता, उसको मारता, उसको उसको कोसता। लेकिन नामदेव जी ने ऐसा नहीं किया। नामदेव जी ने तो हाथ में घी का कटोरा ले लिया और पीछे पीछे भाग पड़े कि प्रभु प्रभु रूखी तो ना खाओ, प्रभु इस पे थोड़ा घी तो लगवाओ, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगवाओ। प्रभु ने उस कुत्ते को भी प्रभु का रूप दे दिया और ऐसी कृपा विट्ठल की, ऐसी कृपा श्री हरि जी महाराज की कि उस कुत्ते के रूप में से प्रभु प्रकट हुए और नामदेव जी को दर्शन दिया, दर्शन दिया। लोगों को कोस रहे हैं, अरे अरे आज मेरे प्रभु आए हैं और आप सामान निकाल रहे हो। ये सामान सभी गिरधर का है, मेरे गोपाल का है, मेरे विठ्ठल का है, प्रभु इसे स्वीकार करना चाहते हो। उठा उठा करके झोला सभी फेंक रहे हैं आग में। गांव ने आदेश दे दिया कि ये पागल हो चुका है, इसको आज के बाद कोई भिक्षा नहीं देगा, आज के बाद इसको कोई भोजन नहीं देगा, इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए इस गांव से। सभी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। लेकिन संत मोजी होते हैं, वो इस प्रकार की बातों में नहीं पड़ते। वो बोले कोई बात नहीं, वापिस गंगा के किनारे बैठ करके ध्यान करने लगे। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई तो है, इस है नहीं के चक्कर में प्यारे कुछ ना कुछ तो है। मेरे ठाकुर अपने अपने बैकुंठ से सारी लीला का दर्शन कर रहे हैं, सारी लीला का दर्शन कर रहे हैं और अचानक दौड़ पड़े अपने सिंहासन से। नारायण जी दौड़ उठे, लक्ष्मी जी पूछने लगी अरे नारायण आप कहां जा रहे हैं। बोले आज मेरे नामा को मेरी जरूरत है। बोले क्या हुआ।
बोले आज नामा की कुटिया में आग लगी है और वो पगला अब उस अग्नि के रूप में मुझको निहार रहा है और अपना सामान उठा उठा करके उसने पूरी कुटिया में डाल दिया, पूरी कुटिया राख हो गई। इतनी ठंडी हवा चल रही है, ठंड के दिन है, पूरे गांव ने हुक्का पानी बंद कर दिया, उसके पास भोजन नहीं है, उसके पास वस्त्र नहीं बचे, उसे मेरी आवश्यकता है, मैं उसके पास जा रहा हूं। लक्ष्मी मैया बोली कि आप मुझको भी संग ले चलिए, आप मुझको भी संग ले लीजिए, मैं भी आपके उस भक्त का दर्शन करना चाहती हूँ, दीदार करना चाहती हूँ, जिसने आपको हर कण कण में निहारा, मैं ऐसे भक्त के दर्शन करना चाहती हूँ। नारायण जी बोले ठीक है, लेकिन मैं अपने भक्तों से कुछ अलग ही तरह से मिलता हूँ। बोले आप जैसे भी मिलते हैं मुझे स्वीकार है, मैं आपके संग चलने को तैयार हूँ। लक्ष्मी मैया ने नारायण के पीछे पीछे, नारायण के पीछे पीछे होली लक्ष्मी मैया भी, नारायण ने मजदूर का रूप बना लिया और फटी पुरानी सी साड़ी लक्ष्मी मैया ने भी पहन ली, वो भी मजदूर का रूप ले लिया माँ लक्ष्मी ने और नारायण जी ने। नाभा जी नामदेव जी के पास पहुंचे हैं नारायण जी मजदूर का रूप बना करके कि नामा जी क्या आपकी कुटिया में रात आपकी कुटिया में आग लगी है? हाँ भैया, रात मेरे ही घर पर ठाकुर ने दर्शन दिए हैं। मजदूर बोले, जो नारायण का रूप बना करके मजदूर आया था, वे मजदूर बोले कि भैया हम आपकी कुटिया छाप दें, हम आपकी कुटिया को बना दें। नामदेव जी बोले कि भैया मेरे पास उसके बदले देने के लिए कुछ भी नहीं, पूरे गांव ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया है, मेरे पास पैसे नहीं है, जो थे वो मैंने अपने प्रभु को अर्पण कर दिए कल कुटिया में। मजदूर बोला कोई बात नहीं नामदेव जी, आप हमें केवल केवल भोजन करवा दीजिएगा, हम आपकी कुटिया सिर्फ भोजन के बदले में छाप देंगे। नामदेव जी बोले ठीक है, फिर मैं अभी निकलता हूँ, पास के गांव में जाता हूँ, क्योंकि इस गांव में तो मुझे भिक्षा मिलने वाली नहीं है। इधर इधर नामदेव जी विठल 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 पांडुरंग विठल कहते कहते दूसरे गांव पहुँच गए, भिक्षा ले रहे हैं। इधर नारायण जी और माँ लक्ष्मी मजदूर का रूप बना करके अपने सिर पर गोबर और झाड़ रख करके आज नामदेव की कुटिया बना रहे हैं, आज नामदेव की कुटिया बना रहे हैं। आप और हम जब परेशान होते हैं तो अपने रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं फोन कर देते हैं अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए, लेकिन मैं आपसे आज एक बात कह रहा हूं, कभी इस कार्य को करके देखना। आप अपने ठाकुर के अपने मंदिर में बैठ करके केवल ठाकुर से पुकार करके देखना, आप उसको अपनी परेशानी बताना, लेकिन शर्त है परेशानी ऐसे ही बताना कि जैसे वो सुन रहा है, वाकई में ही वो सुन रहा है, वे जवाब देगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वे जवाब जरूर देगा, वे जरूर देगा। लोग कहते हैं कि उसके यहां देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं। अरे मैं कहता हूं ना उसके यहां देर है और ना ही उसके यहां अंधेर है, देर भी आपके भाव में है, अंधेर भी आपके भाव में है, केवल आपके भाव में। अरे द्रौपदी ने पुकारा ही था, अरे कितनी सी थी साड़ी, अभी तो केवल द्रौपदी ने द्वारकाधीश ही कहा था और द्वारकाधीश दौड़े दौड़े चले आए, साड़ी का चीर बढ़ा दिया, कोई अनेकों बार पुकारा नहीं द्रौपदी ने, सुदामा ने कुछ कहा नहीं था, उसके भाव ऐसे थे प्रभु जान गए। ऐसे है ठाकुर, भाव होना चाहिए, केवल भाव की बात है,
तीन दिन की जो कथा है इसमें यदि आप कुछ लेकर के जाना चाहें तो केवल और केवल भाव लेकर के जाएं अपने मन में कि प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, वो सुनता है, वो हर और है। आज घर घर में दुख कलेश है, जानते हैं क्या कारण है? जानते हैं, आज हम लोगों ने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए हैं और स्वयं भी पकड़ रखे हैं। हम 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार के आज वो मोबाइल तो लेकर के चलते हैं, लेकिन संकीर्तन में 20 रुपए का एक मंजीरा तक लेकर के नहीं चल सकते। एक 20 रुपए का मंजीरा नहीं लेकर के चल सकते। मोबाइल सब लेकर के चलते हैं, आधा किलो से ज्यादा वजन है, 10-10, 20-20 हजार की कीमत है, लेकिन मजीरा नहीं लेके जाना चाहते। हम अपने बच्चे के जन्मदिन पर उसको उसको सुंदर से सुंदर टच वाला फोन तो दे देते हैं। अपने आप अपने घर के अंदर झांक करके देखे कि क्या हमने कभी अपने उस बालक को हनुमान चालीसा दिया है? आज संकीर्तनों में जाइए, केवल और केवल बुजुर्ग लोग नजर आएंगे। आज जवान बच्चों को कह दिया जाता है घर बैठ, अभी उम्र बहुत है। अभी क्या उम्र है? आप उसे अपना संग नहीं दे रहे, आप उसे अपनी संस्कृति नहीं दिखा रहे। उसको क्या डर है, क्या भय है, क्या भय है? आप उसके अंदर वो संस्कार नहीं ला रहे। अरे कभी उसके हाथ में रामचरित्र मानस रख दो, कभी उसके हाथ में भक्तमाल रख दो, कभी गीता रख दो। अरे कभी ना कभी तो वो आपकी शर्म के कारण ही उसका पन्ना पलट करके झांक तो लेगा, किसी दिन तो झांक लेगा। लेकिन नहीं, ये भाव की कमी है। आज औरतों के सिर से दुपट्टा हट चुका है। रसोई के अंदर जब खाना पकाती थी महिलाएं तो हरि नाम का भजन होता था। अब यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे यहीं से बैठे बैठे टोक देना। हरि नाम भजन होता था, संकीर्तन होता था, सिर पर दुपट्टा होता था। और आज ना तो सिर पर दुपट्टा है और कानों में लीड है और गाने चल रहे हैं, और वो जो गाना आप सुन रहे हैं वैसा ही गुण आपके भोजन में, आपके भोजन के माध्यम से आपके बच्चों तक, और आपके बच्चों के माध्यम से आपके घर के अंदर वो कलह कलेश वो कर रहा है। आप स्वयं जड़ हैं, स्वयं जड़ हैं। जो बोया है वही पाएंगे प्यारे। यदि यहां से कुछ लेकर के जाना चाहते हो तो केवल भाव लेके जाना। यदि संकीर्तन में इस कथा में कुछ अच्छा लगा हो, आप हमें कुछ दे करके जाना चाहते हो तो इसी भाव का आशीर्वाद दे करके जाना प्यारे। हमने किसी लालच में यह कथा नहीं करी। तीन दिन अपना घर बार छोड़ करके यहाँ अपने अपनी जेब से पैसा लगा करके कथा करिए तो केवल प्रभु के नाम की भक्ति, उसका भाव बांटने की चेष्टा और अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। लेकिन दुख तब होता है जब आप इसको केवल इधर से सुन के इधर से निकाल देते निकाल। नाम देव जी अपने पूरी जीवन उन्होंने प्रभु के नाम की भक्ति की है। जब जब नामदेव जी ने याद किया 172 बार, मैंने कल भी बताया आज भी बता रहा हूं, 172 बार मेरे प्रभु ने उनको दीदार दिया है, प्रत्यक्ष दीदार। नारायण जी और लक्ष्मी मैया आज नामदेव का नामदेव की वो कुटिया छाप रहे हैं, नामदेव की कुटिया छाप रहे हैं। शाम को पहुंचे और देखा आधी कुटिया छप चुकी है। उनको दोपहर का भोजन कराया और फिर रात्रि के भोजन के लिए निकल गए। रात्रि में फिर वही मेरे नारायण तीन लोक के स्वामी आज मजदूर बनकर सिर पर ईंटें ढो करके आज अपने सेवक का, अपने प्रेमी का, अपने अपने प्यारे का आज वो कुटिया बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। शाम को वापिस लौटे भोजन लेकर के नामदेव जी तो देखा वह कोई मजदूर नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। पुकारने लगे कि प्रभु, समझ गए नामदेव जी कि आज मेरे कारण मेरे प्रभु को ये दुख हुआ है।
इतनी सुंदर कुटिया यदि कोई छाप सकता है तो केवल प्रभु छाप सकते हैं। मेरे कारण मेरे प्रभु ने अपने सिर पर गोबर ढोया है मेरी कुटिया छापने के लिए। संग में मां नारायणी मां लक्ष्मी ने अपने अपने कंधों पर न जाने मिट्टी ढोई है मेरी कुटिया बनाने के लिए। नामदेव जी वही गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु आपको मेरे कारण कितना कष्ट उठाना पड़ा है। प्रभु आपको मेरे कारण कितना कष्ट उठाना पड़ा है। इतने में आकाशवाणी हुई कि पगले नामा अरे अरे तेरी सेवा में जो सुख मिलता है ना वो ब्रह्मकुंड में भी वो सुख हमें नहीं मिलता जो तेरी सेवा में मिला है जो तेरी सेवा में मिला है। पूरी रात इसी प्रकार नारायण के साथ नामदेव जी वार्ता करते करते गहरी नींद में सोए। सुबह उठे जो ही गांव वाले जागे आकर के नामदेव से पूछने लगे कि नामदेव जी इतनी सुंदर कुटिया आपने किससे छपवाई है। आप भी हमें उस मजदूर का पता दे दीजिए। उस मजदूर का पता दे दीजिए क्या मजदूरी है उस मजदूर की हमें बता दीजिए। नामदेव जी कहने लगे अरे अगर उसकी मजदूरी आप जानना चाहते हो तो समझ जाना उसकी मजदूरी अपनी ये देह है अपनी आत्मा है अपना सरसम जीवन है। ऐसी नहीं कोई कुटिया छाप देता। बोले श्री नामदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे। तुम्हें मैं बता दूं मैं देने से पहले बड़ी तलब होती है पीने से पहले। मेरे ठाकुर की अदा है निराली गिराता बहुत है उठाने से पहले। गिराता बहुत है उठाने से पहले। यदि आप अपने जीवन में उसकी पूजा करते करते गिर रहे हैं ठोकर लग रही है आंख में आंसू आ रहे हैं तो समझ लेना प्यारे सीढ़ियां तैयार हो रही हैं। सीढ़ियां तैयार हो रही हैं। जिसको वो जलवा देता है ना उसको केवल जलवा देता है। जिसको जलवा देता है फिर उसको जलवा देता है। उसके यहां देर नहीं है अंधेर नहीं है केवल हमारे भाव में कमी है। आइए आज की इस कथा का यही विश्राम देते हुए सीधा चलते हैं होली उत्सव की तरफ। और आइए क्योंकि बरसाना यहाँ से काफी दूर है वृंदावन यहाँ से काफी दूर है। मेरी हृदय से इच्छा है कि काश इस समय मेरे पंख होते तो कथा के विश्राम के बाद तुरंत यहाँ से उड़ता उड़ता मैं बैकुंठ के उस राह पर उस वृंदावन उस बरसाने की ओर पहुंच जाता जहां मेरी युगल सरकार विराजमान है। और यदि आप भी इस कथा से सीधा जाना चाहते हैं मेरे श्री किशोरी जी के श्री दरबार में तो जरा मिल करके कहिएगा प्यारे। तमन्ना यही है कि उड़ के बरसाने आऊं मैं आके बरसाने में तेरे दिल की हसरतों को फरमाऊं मैं। जिस घड़ी मंदिर की चौखट पे पहुंच जाऊंगी पकड़ मंदिर की
जाली को ये फरमान बोली बरसाने वाली की जय हो। ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए। कौन कौन जाना चाहता है? मैंने बार बार कहा है केवल बात भाव की है, आप भाव जगाइए, आगे काम प्रभु का है। ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए। बुआ बाके बिहारी कमलिए, बुआ बाके बिहारी कमलिए, बुआ बाके बिहारी कमलिए, बुआ बाके बिहारी कमलिए। ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए। बिहारी दमलिए, बुआ बाके बिहारी दमलिए, बुआ बाके बिहारी दमलिए। ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए। माई ना बाप है, जिथे कोई ना माई ना बाप है, जिथे कोई ना माई ना बाप है, जिथे कोई ना बहन परा, जिथे कोई ना बहन परा। मन्ना चल वृंदावन चलिए, ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए। पाके बिहारी दमलिए, बुआ पाके बिहारी दमलिए, बुआ पाके बिहारी दमलिए, बुआ पाके बिहारी दमलिए। मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन Thank you.
जिथे मस्त मलंग पे झूम दे, जिथे मस्त मलंग पे झूम दे, तू भी मन नु मस्त बना, तू भी मन नु मस्त बना, पाके बिहारी दा मलिए, बुआ पाके बिहारी दा मलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, बाके बिहारी दा मलिए, बुआ बाके बिहारी दा मलिए, बुआ बाके बिहारी दा मलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, जिथे संत समाधियां लावदे, जिथे संत समाधियां लावदे, जिथो बावरे दा होए ना, मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, बुहावा के बिहारी दा मलिए, बुहावा के बिहारी दा मलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए। आपको पता है कि वृंदावन और बरसाना कौन कौन जाता है, कौन कौन जाता है? आइए, आपको नाच करके बता रहे हैं हमारे श्री रवि खुराना जी और श्री वेद प्रकाश जी और हमारे सुदीप प्रस्तोगी भैया जी, ये नाच करके बता रहे हैं कौन कौन जाता है बरसाना, कौन कौन जाता है वृंदावन। और संगी आपको बता रहे हैं हमारे, मेरे तो ताऊ ससुर लगते हैं वैसे तो, श्री सतीश मल्होत्रा जी, वो भी आपको नाच करके बता रहे हैं कि किस प्रकार कौन कौन जाता है बरसाना, कौन कौन जाता है वृंदावन। केवल वही जाता है जिसके दिल के अंदर श्री राधा नाम का तुम्बा बजता है, केवल वो जाता है वृंदावन। आओ जी, जिन जिन का नाम लिया है वो जल्दी से आगे आ जाया करो भैया, क्योंकि देखो हम तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस समय का उपयोग हो, सदुपयोग हो। श्री वेद प्रकाश जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो वो भी आगे आ जाए, गिरीश भैया, श्री विजय चड्डा जी, सभी नाच करके, 5 मिनट की बात है, उसके बाद आप सब अपने अपने घर और हम अपने अपने गाँव। मेरे दिल विच तुम्बा बजदा श्री
राधे राधे नाम दा। देखो ये भाव जब मैंने लिखा था ये भाव तो मेरे दिल में ऐसा ऐसा एक भाव था कि राधा नाम केवल वही गा सकता है जिसके दिल के अंदर राधा नाम के तार हो, वो तार एक तुम्बे की तरह बज रहे हो और वो गाता रहता है जीवन भर। क्या मेरे दिल विच तुम्बा बजदा श्री राधे राधे नाम दा। मेरे दिल विच तुम्बा बजदा श्री राधे राधे नाम दा। मेरे दिल विच तुम्बा बजदा श्री राधे राधे नाम दा। मेरे दिल विच तुम्बा बजदा श्री राधे राधे नाम दा। राधे राधे नाम दा श्री राधे राधे श्री राधे राधे नाम दा। मेरे दिल विच तुम्बा बजदा श्री राधे राधे नाम दा। मेरे दिल विच तुम्बा बजदा श्री राधे राधे नाम दा। मेरे दिल विच तुम्बा बजदा श्री राधे राधे नाम दा। राधे राधे नाम।
ਵੱਜਦਾ ਸੌਖਾ ਵੇ ਤੁੰਬਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਸੌਖਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇਵੇ ਹੋਕਾ 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 किसी के यहाँ चोरी हो जाती है तो वो क्या कहता है कि साडे घर पवाड़ा पै गया साडे घर पवाड़ा। अच्छा किस किस का दिल मेरी शाम ने छीन लिया है, जिस जिस का छीना है, ये जो बैठे हैं आप लोगों का दिल नहीं छीना क्या या छिनवाने चाहते ही नहीं हो? सभी खड़े होइए अपनी अपनी जगह पर। आप बड़ी कठोर दिल वाली हैं तभी ठाकुर आपका दिल नहीं छीन रहे मुझे लग रहा है। और देखिए जब किसी के यहाँ चोरी होती है वो कहते हैं हाय मैं मर गई हाय मैं लुट गई, क्या कहते हैं हाय मैं मर गई हाय मैं लुट गई। तो आप सब भी जरा हाथ उठाइए, जरा एक बार उठाइए। हाय मैं मर गई हाय मैं लुट गई कहिए जरा हाय मैं हाय मैं लुट गई। क्यों शाम दिया चोर अखियां शाम दिया चोर अखियां शाम दिया चोर अखियां शाम दिया चोर अखियां शाम दिया चोर शाम दिए चोर अकिया शाम दिए चोर अकिया वाए दिल लुटे पता भी न लगया वाए दिल लुटे पता भी न लगया शाम दिए चोर अकिया शाम दिए चोर अकिया शाम दिए चोर अकिया शाम दिए चोर अकिया शाम दिए चोर अखियां श्री राधे 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 कहो प्यारे आके
सारा मखन चुराया चोरी चोरी ठाकुर आया चोरी चोरी ठाकुर आया माके सारा मखन चुराया माके सारा मखन चुराया कुछ अत कुछ भी न दसिया बता दूं कि ना ही कोई होली का महीना है ना ही होली है, लेकिन फिर भी हम होली खेल रहे हैं।
उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो हम बावरे हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए नाम के साथ बावरा लगा रखा है। और दूसरा मुख्य कारण, मेरी सरकार को सबसे पसंदीदा त्योहार उनका होली है, इसलिए भैया आओ होली का उत्सव मनाते हुए। अरे आज बीरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया बिजोरी रे रसिया, ओ होरी रे रसिया बिजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बिजोरी रे रसिया, आ होरी रे बिजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी 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 रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, हाँ कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बिजोरी रे, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, छोरा है की छोरी है। देखो मैं कहूंगा कि नंदगांव का छोरा है, आपने कहने बरसाने की छोरी, नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है, अरे नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है, अरे नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है, अरे पकड़ो पकड़ो हो रही है, अरे पकड़ो पकड़ो हो रही है, अरे हो रही है भाई हो रही है, आज बीरज में, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बिजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बिजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी के रसिया की होरी के खिलार की, बोलो होरी के भड़वा की, अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, कोई सावल कोई गोरी रे रसिया, 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 आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बिजोरी 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 रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज रे होरी रे रसिया।
तो शाम संग होरी खेलूंगी मैं तो शाम संग मैं तो शाम संग होरी खेलूंगी मैं तो शाम संग होरी खेलूंगी मैं तो शाम संग मैं तो शाम संग होरी खेलूंगी मैं तो शाम संग खंबे में तो शाम संग हरी में तो शाम संग शाम संग होरी खेलूंगी मैं तो शाम संग शाम संग होरी खेलूंगी मैं तो शाम संग होरी खेलूंगी मैं तो शाम संग खेडांगे खेडांगे तेरे नाल विहोरी खेडांगे 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 तेरे नाल विहोरी खेडांगे पीला रंग तू सखियां ते पा दे पीला 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 पीला रंग तू सखियां ते पा दे खेडांगे तेरे नाल विहोरी खेडांगे 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 तेरे नाल विहोरी खेडांगे रसीबते अपना प्यार लुटा दे रसीबते अपना प्यार लुटा दे रवीते अपना प्यार लुटा दे रवीते अपना प्यार लुटा दे सुदीपते अपना प्यार लुटा शोभित ते अपना प्यार लुटा ओ वेद ते अपना प्यार लुटा ओ राजन ते अपना प्यार लुटा ओ सोनू ते अपना प्यार लुटा ओ राघव ते अपना प्यार लुटा दे रसिका 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 ते अपना प्यार लुटा दे बावरे दा करी ख्याल तेरे नाल खेडांगे हो खेडांगे तेरे नाल विहोरी खेडांगे हो खेडांगे खेडांगे तेरे नाल विहोरी खेडांगे रंग पर मोर की रुदन करेगा
रंग पे मोरनी रुदन करे, कारे रंग पे मोरनी रुदन करे, ओ कारे रंग पे मोरनी रुदन करे, कारे रंग पे मोरनी रुदन करे। देखिए आप सब मोर की भांति नाचिए, क्यों आप जानते हैं मोर का शब्द, मोर शब्द का अर्थ क्या है? एक तो है पीकॉक और दूसरा ये दिल मांगे, और इसलिए ठाकुर से कहिए रुदन करे, ओ कारे रंग पे मोरनी रुदन करे। एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के बिना साज के एक पुकार करेंगे, एक भाव जो कि हमारे हृदय की ये भाव है, ठाकुर जी से अरदास है। ये केवल एक भजन नहीं है, जरा शांति बनाए रखिए भाई, 5 मिनट और बस कंट्रोल कर लीजिए। ये केवल भजन नहीं लिखा, मुझे लगता है कि ठाकुर ने मेरे हृदय की बात इस कलम के द्वारा कागज पर उतरवा दी है, इसलिए आप सब मिल करके कहिए। मैं तो तेरे बिना घनश्याम जगत ते नहीं जीना, मैं तो तेरे बिना घनश्याम जगत ते नहीं जीना। पुकारिए नहीं जीना हुन, नहीं जीना नहीं जीना
कि हे प्रभु आपका नाम लेकर के जीने की ऐसी आदत हो गई है। आज यहाँ पर भक्तमाल कथा का तीसरा दिवस विश्राम की ओर है, लेकिन प्रभु आपके नाम के बिना अब मैं जीना नहीं चाहता। यदि आप मुझे इस संसार में जीवित रखना चाहते हैं तो आप अपना हरि नाम रस मेरी जुहा से करवाते रहे और गली गली जाकर के मैं आपके नाम का यश गुण गा सकूं, ऐसी कृपा करिए। आप भी जरा दोनों भुजा उठा करके कहिए मेरे प्रियतम से, मुझे तेरे बिना घनश्याम जगत में नहीं जीना, मुझे तेरे बिना घनश्याम जगत में नहीं जीना, नहीं जीना नहीं जीना नहीं जीना हुने तेरे बिना घनश्याम जगत में नहीं जीना, तेरे बिना घनश्याम जगत में नहीं जीना। सभी प्रकार की देख लिया दुनिया का होके, देख लिया दुनिया का होके, मिलते हैं धोखे ही धोखे, मिलते हैं धोखे ही धोखे। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपनों को अजमाया है, अरे लोग तो कांटों से बचकर निकल जाते हैं, मैंने फूलों से भी जख्म खाया है। ये खुशियों का जहर प्याला अब मुझे नहीं पीना, मुझे तेरे बिना घनश्याम जगत में नहीं जीना, मुझे तेरे बिना घनश्याम जगत में नहीं जीना। मैं खाने का खोल दे ताला, मैं खाने का खोल दे ताला। आप अपने रस के नाम का जो मैं खाना है प्रभु उसकी बात कर रहा हूं। मैं खाने का खोल दे ताला, मैं खाने का खोल दे ताला, पीना है तेरे नाम का प्याला, पीना है तेरे नाम का प्याला, इस दुनिया का मैं प्याला, इस दुनिया का मैं प्याला अब मुझे नहीं पीना, मुझे तेरे बिना घनश्याम जगत में नहीं जीना। बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय, बोले श्री राधारानी सरकार की। अरे आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में रंग महल में रंग महल में बाजे, रंग महल में रंग महल में रंग महल में बाजे, हो रंग महल में रंग महल में रंग महल में बाजे, बधाई हो।
धरा धा से बोलो हृदय से बोलो बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा हृदय से बोलो हृदय से बोलो सब मिल बोलो ये बड़ा प्यारा ये बड़ा प्यारा संतों को प्यारा रसिकों को प्यारा रसिकों को प्यारा संतों को प्यारा प्यारा प्राणों से प्यारा कटेगी बाधा कटेगी बाधा जपेगा राधा जपेगा राधा जय राधा राधा जय राधा राधा जय 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 राधा संतों को सभी भक्तों को व्यासपीठ से रसिक मनीष कपिल बावरे की राधे राधे आप सभी का धन्यवाद साधु।